दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लैपटॉप टू लैपटॉप या डेस्कटॉप टू डेस्कटॉप पर वो डेटा शेयर करना चाहते हैं, लेकिन लैपटॉप टू लैपटॉप या डेस्कटॉप टू डेस्कटॉप आपको कनेक्ट करना नहीं आता। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं यही सब बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप न करें। तो आप ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लैपटॉप टू लैपटॉप या डेस्कटॉप टू लैपटॉप डेटा है वो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कनेक्ट करना नहीं आता, या फिर वो ये सोचते रहते हैं कि आखिर में इन्हें कनेक्ट करें कैसे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो लैपटॉप टू लैपटॉप या डेस्कटॉप टू डेस्कटॉप डेटा शेयर करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही इजी और सरल तरीका बताने वाला हूं, वो भी बाय लाइन केबल के द्वारा। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि डेटा है वो शेयर कैसे करते हैं, और आप बहुत ही इजी तरीके से सीख जाओगे। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद शायद ही ऐसा कोई रहे जिसको ये समझ में न आया हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं इस पीसी से अपने डेटा है वो लैन केबल से इस पीसी के अंदर वो डेटा है वो ट्रांसफर करूंगा। तो आप वो वीडियो को पूरा देखिए, और सबसे पहले आपको सेटिंग कुछ सेटिंग करनी होगी अपने पीसी, दोनों पीसी के अंदर। उससे पहले आपको ये जो लाइन केबल है वो आपको दिख रही होगी कि एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर है वो कनेक्ट की गई है, तो वैसे ही आपको सबसे पहले है वो कनेक्ट करना है। तो चलिए अब स्क्रीन पर और देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो दोस्तों लाइन केबल मैंने जोड़ दी, अभी आप लोगों को मैंने दिखाया ही है। तो सबसे पहले है लाइन केबल को जोड़ना है, चाहे आप लैपटॉप टू लैपटॉप करें या डेस्कटॉप टू लैपटॉप करें या लैपटॉप टू लैपटॉप करें, तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल तरीके से अपने लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसके कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंट्रोल पैनल, तो मैं जैसे ही लिखूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो CONTROL कंट्रोल पैनल, तो मैंने सबसे पहले वो कंट्रोल पैनल है वो ओपन कर लिया। उसके बाद आपको करना क्या है वो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। तो उसके बाद आपको करना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, तो इस पर आपको वो क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ मिलेगी, सेटिंग मिलेगी चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, तो इस पर आपको सिंपली ओपन करना है। ऊपर वाले जो भी फंक्शन है उसको किसी से छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आर नेटवर्क्स, तो इस पर आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे पब्लिक वाले में सबसे फर्स्ट वाले में ऑन करना है, फिर ठीक आपको नीचे जाके पासवर्ड है टर्न ऑफ करना है, पासवर्ड टर्न ऑफ, और यहाँ पे सिंपली क्या करना है सेव कर देना है। सेव करते ही यहाँ पे आपको इथेनेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर्टीज़, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इंटरनेट वर्जन पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है क्लिक करना है, मतलब टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे, टिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दो बार क्लिक करना है। जैसे आप दो बार क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है वो ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको आईपीएस एड्रेस है वो फुलफिल करना है। क्या करना है वो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है 192, उसके बाद आपको डालना है 168, और उसके बाद आपको डालना है 1, और अगले वाले में डालना है 1, और यहाँ पे जो सबमिट मार्क है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, सबनेट जो है वो अपने आप जो है ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यहाँ पे ये जो 255255 आया ये ऑटोमेटिक आया है, ठीक है। अब आपको डिफ़ॉल्ट के अंदर, डिफ़ॉल्ट गेटवे के अंदर आपको डालना है 192, और उसके बाद डालना आपको 168,
और यहाँ पे डालना है 1 और उसके बाद डालना है 2। इस बात का विशेष ध्यान रहे, IPS एड्रेस और डिफ़ॉल्ट गेटवे के अंदर मैंने कुछ चेंज किया है, तो इस बात को विशेष करके ध्यान रखें, वहाँ पे 1 की जगह 2 लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ नीचे जो DNS सर्वर है उसके अंदर आपको 8 डालना है, इसमें भी 8 डालना है, इसमें भी 8 डालना है और इसमें भी 8 डालना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ओके कर देना है और इसको भी ओके कर देना है और यहाँ पे क्लोज कर देना है। ठीक है, तो एक सिस्टम का आपका है वो काम पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर के दूसरे सिस्टम पर। अब दूसरे सिस्टम के अंदर क्या करना है वो भी आप है वो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दूसरे सिस्टम पे चलते हैं और दूसरे सिस्टम को भी आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और समझिए। तो चलिए मैं दूसरे सिस्टम पे चलता हूँ। तो दोस्तों मैं अब दूसरे सिस्टम पे आ गया हूँ, सेम वही करना है। सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल पैनल है वो आपको ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CON, ये ऊपर आ गया आपको दिख रहा होगा। तो कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया मैंने, और जैसे ही मैंने कंट्रोल पैनल ओपन किया तो सेम वहीं पे जाना है आपको, क्या करना है शेयरिंग डेटा पे जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग के अंदर आपको जाना है और सेम यहाँ पे ऑफ करना है, ठीक है, और पासवर्ड है वो टर्न ऑफ करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको चेंज सेटिंग पे ओके करना है। फिर आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा इथरनेट पे, यहाँ पे आपको ओके करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पे आपको इंटरनेट जो प्रॉपर्टीज़ है इस पे क्या करना है क्लिक करना है। तो यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे आपको क्लिक करना है 2 बार। तो जैसे आप 2 बार क्लिक करोगे तो सेम वही यहाँ पे आपको IPS एड्रेस है वो टाइप करना है, लेकिन कुछ बात का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दूँगा। जो मैंने वहाँ पे गेटवे लिखा था वो यहाँ पे लिखना है और IPS एड्रेस है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे के अंदर लिखना है। कैसे, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 92.192.168.6 और बाद में लिखता हूँ 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ये अपने आप आ जाता है। और ये मैंने यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे 192.168 और यहाँ पे लिखना है 1 और वहाँ पे लिखना है 1। तो फर्स्ट वाले पीसी में और सेकंड वाले पीसी में आपको अंतर चल गया होगा कि IPS एड्रेस जो मैंने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखा था वहाँ पे मैं इसमें IPS एड्रेस लिख रहा हूँ, और जहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखा था वहाँ पे IPS एड्रेस लिखा था वहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे के अंदर लिख रहा हूँ। तो ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सेम वही डालना है 8 8 8 और 8 और आपको सिंपली ओके कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। तो बहुत ही सिंपल, और ये आपका जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा है प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आप डेटा है वो शेयरिंग कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखिए आगे। तो दोस्तों जैसे ही आप डेटा शेयरिंग करते हो उसके बाद ये दोनों जो डेस्कटॉप है या आपके जो भी लैपटॉप है उनके अंदर आप जो ये जो सेटिंग बताई थी मैंने अभी वो करते हो, उसके बाद जैसे ही आप ओपन करोगे और नेटवर्क में जाओगे तब आपको यहाँ पे 2 डेस्कटॉप है वो दिखेंगे। यानी एक तो जो ये नॉर्मली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ एक ये है, एक वो जो है लाइन केबल से जुड़ा हुआ है। तो दोनों के दोनों आपके जो हैं आपस में वो है कनेक्टेड हो चुके हैं। अब आप बहुत ही सिंपल तरीके से एक दूसरे के अंदर डेटा है वो शेयरिंग कर सकते हो, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो तो दोस्तों जैसे मान लो डेस्कटॉप पे ये मेरा एक फोल्डर बना हुआ है SP नाम से, मुझे उसको शेयर करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा और उसके बाद आपको यहाँ पे पीपल्स ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको है वो क्या करना है everyone पे ओके करना है और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में आपको यहाँ से शेयर कर देना है और डन कर देना है। अब जैसे ही शेयर करोगे आप अपने दूसरे PC के अंदर है वो जाके इस डेटा को ले सकते हो। कैसे, तो चलिए दूसरे PC पे चलते हैं। तो दोस्तों मैं सेकंड जो अपना कंप्यूटर है उस पे आ गया हूँ,
और आपको सिंपली माई कंप्यूटर ओपन करना है और अपने नेटवर्क पे जाना है। तो ये दूसरा जो पीसी है वहाँ पे जाके आपको ओके करना है यूज़र के अंदर, और अब मैं यहाँ पे आऊँगा इस फोल्डर के अंदर जो मेरा दूसरा डेस्कटॉप जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, ये देखिए एसपी फोल्डर मैंने जो अभी सेंड किया था। तो सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बड़ा करके ताकि आप उन चीज़ों को देख पाओ जो मैंने फर्स्ट वार में जो स्वीट दिखाया था। तो वो फोल्डर मेरे इसमें आ गया है। अब आप चाहो तो इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो अपने पीसी के अंदर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और बने रहे टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर करें।